अपनी माँ से अलग दूसरे जंगल में अपने परिवार के साथ रहा करता था। पतलू ले, जल्दी जल्दी खाना खा ले, रात भी हो गई है। अगर तू खाना नहीं खाएगा तो रात के अंधेरे में डायन आकर तुझे खा जाएगी। क्यों इस मासूम बच्चे को डायन का नाम लेकर डरा रही हो सुंदरी? हमारे घर में तो सबसे बड़ी डायन तुम ही हो। तुम रात के अंधेरे में जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे डर लग जाता है सुंदरी। अगर पतलू भी देख लेगा तो वो हर रोज चुपचाप बिना तुम्हें पूछे ही खाना खा लेगा सुंदरी। कालू जी, आप जानते हैं ना, इस तरह के मजाक मुझे पसंद नहीं है। आप इस तरह के मजाक मेरे साथ मत किया कीजिए। और आपका खाना हो गया हो तो आप घोंसले में चुपचाप सो जाइए, वरना ये डायन आपको नोच भी सकती है। कालू कौवा सुंदरी से डरता था, इसीलिए सुंदरी की बात सुनकर चुपचाप अपने घोंसले में सो जाता है। और पतलू, तू क्या हमारी बातें सुन रहा है? जल्दी से खाना खा और सो जा मेरे साथ। और अगली सुबह भी हो जाती है। सुंदरी, मैं आज घर देर से आऊंगा, तुम पतलू का और अपना ख्याल रखना। जी कालू जी, और आप भी अपना ख्याल रखिए। इस तरह से कालू कौवा काम के लिए निकल जाता है। कालू कौवा मजदूरी का काम किया करता था और सुंदरी कौवी अपने बच्चे को और अपने घर को संभाला करती थी। पतलू, मैंने घर के सारे काम खत्म कर लिए हैं। तू जल्दी जल्दी अपने किताबें निकाल, आज मैं तुझे ये बीसीडी पढ़ाऊंगी। माँ, मैं अभी अभी तो खाना खा कर बैठा हूँ, मैंने तो खेला ही नहीं है। मुझे कुछ देर खेलने दीजिए माँ, मैं खेल कर आऊंगा तो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊंगा। ये तेरा हर रोज का नाटक है पतलू। तू दिन में 4-4 घंटे खेलता है और हर समय सिर्फ एक ही बात कहता है कि मैं अभी तक खेला नहीं हूँ माँ। आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाली। चल निकाल अपनी किताबें। सुंदरी कवि की डांट सुन के सुंदरी का बेटा पतलू पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। कालू कौवा घर लौटते वक्त कालू कौवे को रानी चिड़िया मिल जाती है। कालू भैया, मैं सुंदरवन जंगल गई थी, वहाँ पर मुझे आपकी माँ मिल गई और उन्होंने मुझे कहा है आपको बताने के लिए कि वो कल आपसे मिलने आ रही है। तुम सच कह रही हो ना चिड़िया? कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? कालू भैया, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी, वो भी आपके माँ के बारे में। आपकी माँ सच में कल आपसे मिलने आ रही है। मर गया, अब तो मैं पक्का मर गया। रानी चिड़िया की बातें सुनकर कालू कौवा तेजी से उड़ते उड़ते अपने घर सुंदरी कवि के पास आ जाता है। सुंदरी, वो कल मेरे दोस्त हमारे घर आने की जिद कर रहे हैं। क्या तुम कल अपने मायके जा सकती हो? एक दिन आराम से अपने मायके में जाकर रह कर आओ सुंदरी। आपके सभी दोस्त तो इसी जंगल में रहते हैं कालू जी, हमारा घर तो इतना आलीशान भी नहीं है कि आपके दोस्त हमारे घर आने की जिद करें। दाल में जरूर कुछ काला है कालू जी, क्या बात है मुझे साफ साफ बताइए, आप मुझे मायके क्यों भेज रहे हैं? अरे सुंदरी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, कल मेरे दोस्त मुझे मिलने आ रहे हैं। दोस्त मिलने आ रहा है? अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आपके दोस्त हमारे घर आने की जिद कर रहे हैं, और अब अचानक से कह रहे हैं कि कोई दोस्त मिलने आ रहा है। आप साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हैं कालू जी कि आपकी माँ आ रही है आपसे मिलने के लिए? सुंदरी की बातें सुनकर कालू के मुंह से आवाज ही नहीं आती। आपकी चुप्पी मुझे साफ साफ बता रही है कालू जी कि कल आपकी माँ आपसे मिलने आ रही है। अगर यही बात है तो मैंने आपसे पिछले बार ही कह दिया है, अगर आपकी माँ इस घर में आएगी तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। आपकी माँ मुझे देखकर चिढ़ती है, मैं नहीं रह सकती आपकी माँ के साथ। आप अपनी माँ से कह दीजिए कि वो हमारे घर मत आए।
पापा, क्या सच में दादी माँ आ रही है? मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मुझे भी अपनी दादी माँ से मिलना है। कितने दिन हो गए, मैंने दादी माँ को देखा ही नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तू चुप कर पतलू, वरना तुझे एक खींच कर दूंगी। सुंदरी, तुम्हें मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों है? सभी बहुओं की सास होती है, और मेरी माँ तो तुम्हें कौन सा भी तंग नहीं करती और घर के काम भी नहीं लगाती तुम्हें। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मेरे साथ मेरी सासू माँ भी रहे। याद है ना आपको कालू जी, मैंने शादी से पहले ही तुम्हें ये बात साफ साफ बता दिया था कि मैं एक छत के नीचे अपनी सासू माँ के साथ नहीं रहूंगी, और आपने हाँ भी कहा था कालू जी। सुंदरी की बातें सुनकर कालू का वह चुप हो जाता है। वैसे कालू जी, आपको कैसे पता चला कि आपकी माँ आपसे मिलने कल आने वाली है, वो भी हमारे घर? मैं घर लौटते वक्त रानी चिड़िया मुझे मिल गई थी। उसी ने बताया कि मुझे कल मेरी माँ मिलने मेरे घर आने वाली है। प्लीज सुंदरी, सिर्फ एक ही दिन की बात है ना, मेरी माँ से ऐसा कुछ भी मत कहना जिससे मेरी माँ का दिल दुख जाए। अगर तुम अपने मायके चली जाओगी हाँ? तो ये मेरा घर है, मैं मेरे घर से कहीं पर भी नहीं जाने वाली। जो होना है वो होकर ही रहेगा। बातों बातों में ही रात हो जाती है। सुंदरी कवि अपने बेटे को लेकर सो जाती है। कालू कवि को तो नींद ही नहीं आ रही थी। ना जाने ये डायन कल मेरी माँ को क्या खड़ी कोटी सुनाने वाली है। अगर मैंने सुंदरी की शर्त नहीं मानी होती तो आज मेरी माँ अकेली नहीं रहती। ये सब मेरी ही गलती है। ऐसा सोचते हुए कालू कवि सो जाता है, और अगली सुबह भी हो जाती है। सुबह होते ही कालू की माँ कालू के घर दस्तक दे देती है। लगता है बुढ़िया आ गई है। अच्छा हुआ कालू जी घर पर नहीं है, कुछ कड़वे कड़वे बातें करके भगा देती हूँ उस बुढ़िया को। अपनी माँ की बातें सुनकर पतलू कौवा घर का दरवाजा खोल देता है, और सीधे जाकर अपनी दादी के गले लग जाता है। दादी माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मैं आपको बहुत मिस किया करता था। मुझे भी तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की बहुत याद आ रही थी बेटा, इसीलिए देखो तुम दोनों से मिलने आ गई। पतलू, हट वहाँ से, क्यों उस बुढ़िया के गले लग रहा है? तो न जाने कहाँ कहाँ से आई होगी ये बुढ़िया, और न जाने नहाती है भी या नहीं। सुंदरी, अपनी जबान पर लगाम दे, मैं अपने पोते और बेटे से मिलने आई हूँ, ना कि तुझसे। हर वक्त सिर्फ कड़वी कड़वी बातें ही करती रहती है तू, कभी तो मीठा बोलिया कर सुंदरी। अपने पोते से तो मिल लिया है तूने, अब जा यहाँ से। मैं तुझे अपने घर में रहने के लिए जगह नहीं देने वाली, और ना ही तेरी सेवा करने वाली। सुंदरी बहू, बस एक दिन मुझे अपने पोते के साथ खेलने दे, मैं शाम होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें अपने घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कालू जी के आ जाने से पहले ही तू यहाँ से चली जा, वरना खामखा मेरा और कालू जी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। सुंदरी कवि की कड़वी बातें सुनकर कालू की माँ रोते रोते वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में कालू कौवा भी अपने घर आ जाता है। पापा, दादी माँ आई थी और माँ ने उन्हें भगा दिया। सुंदरी, मैंने तुमसे कहा था कि प्लीज माँ से कुछ मत कहना, तो फिर तुमने माँ से ऐसा क्या कह दिया कि वो मुझसे मिले बिना ही चली गई? पिछले महीने ही तो
आपकी माँ आपसे मिल कर गई है। अगर आज तुम्हारी माँ को अंदर आने दिया होता तो उन्हें आदत पड़ जाती, फिर वो रोज रोज अपना मुंह उठाकर कुछ बहाना बनाकर मुफ्त में खाना खाने मेरे घर चली आ जाती। इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ को कुछ कड़वे शब्द बताकर यहाँ से भगा दिया। कालू जी, मेरी माँ कोई गरीब नहीं है सुंदरी, जो तुम्हारे पास खाने के लिए आई है, वो तो बस मुझे और उनके पोते को देखने के लिए आई है सुंदरी, देखने के लिए आई है। मैं सब जानती हूँ कालू जी, आपकी माँ कैसी है और क्या क्या कर सकती है, आप इसके बारे में अब मुझसे ज्यादा बात मत कीजिए और आप अपने काम पर जाइए। इस तरह से कालू कौवा सुंदरी की बातें सुनकर चुप हो जाता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा सुंदरी कौवी से कहने लगता है, सुंदरी जो हमने गुल्लक में पैसे जमा किए थे ना, वो गुल्लक भर गया है, हम वो गुल्लक तोड़ देंगे, उन पैसों से हमारा ये टूटा फूटा छत ठीक करवा लेंगे। सुंदरी बहुत पुराना हो गया है ये छत। नहीं कालू जी, उस गुल्लक के पैसों से मैं अपने लिए एक सोने का हार बनवाना चाहती हूँ। मैं उस गुल्लक के पैसे आपको नहीं देने वाली, अगली बार गुल्लक के पैसों से घर का छत बनवा दीजिए कालू जी, मगर इस बार ये गुल्लक के पैसे मुझे चाहिए हार बनवाने के लिए। मगर सुंदरी ये छत तो बहुत पुराना है, शायद ये छत कभी भी नीचे गिर सकता है, अगर ये छत नीचे गिर गया तो हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं होगी। सुंदरी सोने की हार से ज्यादा जरूरत हमें छत की है। सुंदरी तुम अगली बार बनवा लेना सोने का हार, इस बार हम छत की मरम्मत करवा लेंगे। सुंदरी मेरी तो किस्मत ही फूटी है, शादी होने के बाद आपने मुझे कुछ भी नहीं दिलाया कालू जी, जिसकी वजह से मेरी सारी सहेलियां मुझे छिड़ाती रहती है कि सुंदरी तेरे गले में एक हार तक नहीं है। ठीक है सुंदरी, तुम ये रोने धोने का नाटक मेरे सामने शुरू मत कर देना। सुंदरी तुम जो चाहे बनवा सकती हो इन गुडलक के पैसों से, अगर छत टूट गया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सुंदरी मैं तुम्हें पहले ही कह देता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी को मेरे आंसू देखे नहीं जाते और मेरे आंसू को देखकर ये मेरे हाँ में हाँ मिला देते हैं कालू जी, इसीलिए तो इस बकरे से शादी की है मैंने, ताकि मेरे हाँ में हाँ मिला सके ये बकरा। दूसरी ओर कालू कौवा उदास होकर एक डाली पर बैठा होता है कि कालू कौवे के पास बुलबुल आ जाती है। क्या हुआ कालू, तू इतना उदास होकर इस डाली पर क्यों बैठा हुआ है, क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं बुलबुल, बस अपने घर के बारे में ही सोच रहा था। मेरे घर का छत बहुत पुराना हो गया है और टूटने भी लग गया है। छत की मरम्मत के लिए मैंने कुछ गुल्लक में पैसे जमा किए थे, मगर सुंदरी को उस गुल्लक के पैसे से सोने का हार बनवाना है। अगर सुंदरी उन पैसों से सोने का हार बनवाएगी तो छत की मरम्मत कैसे करवाऊंगा बुलबुल, बस यही सोच रहा था। तू सुंदरी को समझाता क्यों नहीं कि पहले छत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अगर छत ही नहीं रहेगा तो वो अपने सोने का हार कहाँ रखेगी? ना बाबा ना, सुंदरी को समझाना यानी कि भैंस के सामने बीन बजाने जैसा है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुआरा ही ठीक था, अपनी माँ के साथ खामखा सुंदरी से प्यार कर बैठा मैं और मैंने उससे शादी भी कर ली। अपनी माँ को छोड़कर इस जंगल में आ गया मैं पागल कालू कौवा। मुझे कहना तो नहीं चाहिए कालू, फिर भी मैं तुझे कह रही हूँ, जो तूने अपनी माँ के साथ किया है ना, वो बहुत बुरा किया है। पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है तेरी माँ ने और तू उन्हें बुढ़ापे में छोड़कर अपनी पत्नी के साथ निकल आया, ये तेरी सबसे बड़ी भूल है कालू। तुझे तेरी पत्नी को चार चाटे मारकर अपनी माँ का साथ देना चाहिए था, ना कि उस बूढ़ी का साथ छोड़ना चाहिए था। ये तूने बहुत गलत किया है कालू,
अगर मेरी बातों का तुझे जरा भी बुरा लग गया हो तो मुझे माफ कर दे कालू। मुझे घर जाने में देर हो रही है, मैं चलती हूँ। और एक बात कालू, जरा अपनी पत्नी को अपने काबू में रखना सीख कालू। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। बुलबुल जो कह रही है वो सही कह रही है। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया। अगर मेरी माँ मुझे पाल पोस कर बड़ा ना करती तो आज मैं इस दुनिया में नहीं रहता। मुझे कैसे भी करके अपनी गलती सुधारनी होगी। इसी तरह से चार दिन गुजर जाते हैं और सुंदरी कवि अपने लिए एक सोने का हार खरीद लेती है। देखिए कालू जी, कितना सुंदर है ये सोने का हार। अब मैं इस सोने के हार को हर रोज पहना करूंगी। अब मैं कभी नहीं उतारूंगी इस हार को अपने गले से। कालू जी, आपको देखकर लग रहा है कि आप इस सोने के हार को देखकर खुश नहीं लग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सुंदरी, मैं तो हमारे छत के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। कहीं ये छत नीचे ना गिर जाए। आप अच्छा अच्छा क्यों नहीं सोचते कालू जी? अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जैसे मैंने सोचा था सोने का हार खरीदने के लिए, और मैंने सोने का हार खरीद भी लिया कालू जी। अब अगली बारी इस छत की होगी। इस तरह से कालू कौवा और सुंदरी कौवी बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनका घर हिलने लग जाता है। कालू जी, मुझे लग रहा है कहीं पर भूकंप हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा घर हिल रहा है। कालू जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सुंदरी, भूकंप नहीं हो रहा है, हमारा घर हिल रहा है। हमारा छत टूट रहा है सुंदरी, टूट रहा है। चलो यहाँ से, पतलू को लेकर चलो सुंदरी यहाँ से। फिर सुंदरी कवि, कालू कौवा और पतलू घर से बाहर आ जाते हैं। उन तीनों के आते ही कालू कवि का घर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये हमारे घर को अचानक से क्या हो गया कालू जी? अब हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सुंदरी। अगर तुम इस हार को नहीं लेती तो, अगर उन पैसों से तुम घर की मरम्मत करवाती तो हमारा घर आज इस तरह से टूटकर नीचे नहीं गिरता था सुंदरी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सुंदरी। आज हम बेघर हो गए हैं सुंदरी, आज हम बेघर हो गए हैं। आप मुझे ताने मारने बंद कीजिए कालू जी। पहले ये सोचिए कि अब हम जाए तो कहाँ जाए। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है सुंदरी, हमें हमारे माँ के घर जाना होगा। माँ का घर बहुत बड़ा है सुंदरी, और माँ का दिल भी बहुत बड़ा है। चलो चलते हैं सुंदरी माँ के पास, वो हमें मना नहीं करेगी। सुंदरी, वो हमें मना नहीं करेगी। नहीं कालू जी, मैं उस घर में अपना पैर भी नहीं रखने वाली। अब इतनी रात को हमारी कौन मदद करेगा सुंदरी? अगर तुम्हें आना हो तो आओ, वरना। वरना क्या कालू जी, आप हमें यही छोड़कर चले जाएंगे अपनी माँ के पास? नहीं सुंदरी, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर क्यों जाऊँगा सुंदरी? अगर तुम्हारे पास कोई और रास्ता हो तो बताओ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। कुछ देर बाद सुंदरी कवि सोचकर कालू कवे से कहने लगती है। चलिए कालू जी, हम अपने भाई के घर चलते हैं, यानी मेरे माँ के घर चलते हैं। मेरी माँ भी मुझे आने से मना नहीं करेगी, और मेरी माँ आपकी माँ की तरह कड़वी कड़वी बातें नहीं करती। चलिए, मेरी माँ और मेरा भाई आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आप एक बार चलकर तो देखिए। नहीं सुंदरी, मैं अपने साले के घर जा नहीं सकता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे भाई के घर जाने से तो अच्छा है कि तुम अपनी सास के घर आ जाओ, वो मेरा ही घर है सुंदरी। आपकी माँ का घर तो दूसरे जंगल में है कालू जी, और मेरा मायका इसी जंगल में है। हम इतनी रात को कहाँ कहाँ भटकेंगे, चलिए मेरे मायके। ठीक है सुंदरी, चलो चलते हैं। सुंदरी की बात मानकर कालू कौवा सुंदरी के मायके की ओर उड़ता है। कुछ ही देर में सुंदरी का मायका आ ही जाता है। सुंदरी कौवी अपने माँ के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन? इतनी रात को कौन आया है हमारे घर? गोरी भाभी, मैं हूँ,
सुंदरी आपकी ननंद। ओ जी आपकी बहन आई है, वो भी इतनी रात को। पूछो तो सही अपनी बहन को, इतनी रात को क्या लेने आई है वो हमारे घर में। लगता है कुछ परेशानी होगी, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। रुकी जी, जब तक मैं आपको बाहर जाने को नहीं कह देती आप बाहर नहीं जाएंगे। कौन कौन है बाहर और इतनी रात को मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटा रहा है? लगता है गोरी भाभी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कालू जी फिर से आवाज लगाती हूँ। गोरी भाभी मैं हूँ सुंदरी कवि, मेरा घर टूट गया है भाभी। मैं मेरे पति और बेटे के साथ आई हूँ भाभी, दरवाजा खोलिए भाभी। लो जी हमारे घर में हमें सोने के लिए जगह नहीं है और ये आपकी बहन टपक पड़ी। कह दीजिए अपनी बहन से कि हमारा घर छोटा है और वो कहीं और जाकर मदद मांगे। और ये भी कह दीजिए कि उसकी माँ इस घर में नहीं है, वो अपने भाई के पास गई है। मगर गोरी वो इतनी रात को कहाँ जाएगी, वो भी अपने बेटे को और अपने पति को लेकर। वो सब आप मुझे मत बताइए, अगर आपकी बहन और उसका परिवार आकर यहाँ रहेंगे तो अगर ये घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे। जाइए और भगाइए उन्हें यहाँ से। ठीक है गौरी, अभी बात करके आता हूँ सुंदरी से। फिर सुंदरी कवि का भाई कालिया दरवाजा खोलता है। क्या हुआ सुंदरी, क्यों इतनी रात को तुम यहाँ आई हो? भैया हमारा घर टूट गया है और हमारे पास छत नहीं है, क्या हम छत बनाने तक यहाँ रुक सकते हैं? सुंदरी मैं तुम्हें अपने घर में रहने नहीं दे सकता, देखो मेरी घर की हालत, मेरा घर कितना पुराना है तुम तो जानती हो ना। अगर तुम तीनों मेरे घर के अंदर आ गए तो मेरा घर टूट भी सकता है। भैया मैं आपकी बहन हूँ और इस घर पर भी मेरा अधिकार है, आप इस तरह से मेरे साथ कैसे कर सकते हैं भैया? सुंदरी ये सब बातें मुझसे मत करो, जाओ जाकर किसी और से मदद मांगो और अपने पति से ये भी कह दो कि वो इस तरह से रात के समय किसी को भी तंग ना करे। जीजा जी लेकर जाइए अपने बेटे को और अपनी पत्नी को यहाँ से, मैं मेरे घर में आप तीनों को नहीं ले सकता। इतना कहकर सुंदरी का भाई घर के अंदर चला जाता है और घर का दरवाजा भी बंद कर लेता है। न जाने मेरे भैया अचानक से ऐसे कैसे बदल गए कालू जी, शादी से पहले तो मेरे भैया ऐसे नहीं थे, वो तो मुझ पर अपना जान लुटाते थे और मुझसे प्यार भी बहुत करते थे। इनकी भी हालत कुछ मेरी तरह है सुंदरी, शादी से पहले मैं भी तुम्हारे भाई की तरह अपनी माँ बहनों पर जान लुटाया करता था। सुंदरी जब से मेरी शादी हुई है तुमसे तब से मैं उन सभी रिश्तों से दूर हो गया हूँ, इसी तरह से तुम्हारा भाई भी दूर हो गया है। जैसी करनी वैसी भरनी सुंदरी, अब मैंने बहुत देख लिया तुम दोनों भाई बहनों का प्यार, अब चलो सुंदरी मेरे साथ चुपचाप। फिर कालू कौवा अपनी माँ के जंगल की ओर उड़ता है। कुछ ही देर उड़ने के बाद कालू कौवा सुंदरी कवि और पतलू कालू कौवे के माँ के घर पहुँच जाते हैं। कालू कौवा अपने माँ के घर पर दस्तक देता है। कालू की माँ घर का दरवाजा खोल देती है। कालू तू इतनी रात को यहाँ आया है, जल्दी से घर के अंदर आओ, तुम सब बाहर बहुत ठंड है। सुंदरी बहू तू ठीक तो है ना? पतलू बेटा तू ठीक तो है ना? तू जाकर अपनी माँ के साथ उस घोंसले में बैठ जा, मैं तुम तीनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। सास की बातें सुनकर सुंदरी कवि के आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुंदरी को समझ आ जाता है कि अपने अपने होते हैं और सासू माँ भी एक माँ ही होती है जो बच्चों को तकलीफ में कभी नहीं देख सकती। पुराने व्यूवर्स है तो हमारे चैनल के बेल बटन को ऑन कीजिए और नए व्यूवर्स है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे।